हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य ज्ञान। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th का चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 5.3 क्वेश्चन नंबर 9th बताने वाला हूं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखिए, इस क्वेश्चन में बोल रहा है इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, फाइंड द सम ऑफ n टर्म। आपको यहां पर क्या बोल रहा है देखिए, अगर हम 7 टर्म का सम जोड़ते हैं, अगर फर्स्ट से लेकर 7 टर्म तक हम जोड़ते हैं सभी को, तो वो आ रहा है आपका 49। इसका मतलब क्या है, s 7 आपको दिया हुआ है, 49 सम बोल रहा है ना, सम ऑफ 7 टर्म, इट मींस s 7 एंड दैट ऑफ 17 टर्म इस 289। अगर आप 17 टर्म तक जाके जोड़ते हैं, फर्स्ट से लेके 17 टर्म तक जाके, तो आपका क्या आ रहा है, 289। तो मतलब क्या है, यहाँ पर s 17 कितना दिया हुआ है, 289। तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में सम ऑफ n टर्म फाइंड करने बोल रहा है। इसका मतलब क्या है देखिए, कि आप जैसे 7 टर्म तक जोड़े तो 49 आया, 17 टर्म तक आप जाके जोड़े तो कितना आया, 289। तो आपको हमें बताना है n टर्म तक जोड़ेंगे तो कितना आएगा, मतलब इट मींस दैट इसका आंसर जो हमारा आएगा वो n में आएगा, क्योंकि हमें बोल देता है पहले कि वहां तक जाके जोड़िए। अभी हमें बोला है कि n तक जाके जोड़िए, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, n टर्म तक जोड़िए। तो मतलब n तो पता नहीं है ना, n का वैल्यू तो आपको n ही रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए सम ऑफ n टर्म आपको फाइंड करना है। तो हमें पता है कि सभी क्वेश्चन में अगर हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस नहीं पता है तो हम क्या मानते हैं, फर्स्ट टर्म को ए मानते हैं एंड कॉमन डिफरेंस को डी मानते हैं। तो हम यहां पर वही करने वाले हैं, लेट द फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस को क्या मानेंगे, फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस डी मान लेंगे। ये तो हम मानते हैं, अगर हमें नहीं दिया होता है तो उसको मानना पड़ता है, फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी। अब हमें बोल रहा है कि s7 कितना बोल रहा है, 49 बोल रहा है यहां पर। तो हमें पता है सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, sn का फॉर्मूला क्या होता है, n बाय 2a प्लस n माइनस 1 डी। ठीक है, हम क्या करने वाले हैं इस क्वेश्चन में देख लीजिए, हमें सम ऑफ n टर्म फाइंड करना, मतलब हमें s n फाइंड करना है, n की जगह कुछ नहीं रखना, हमको n ही रखना पड़ेगा, बोल रहा है वो सम ऑफ n टर्म फाइंड करना। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, n बाय 2a प्लस n माइनस 1 डी। n को तो हमें n ही रखना है, बट यहां पर a हमको पता नहीं है, d हमको पता नहीं है। तो इन दो इक्वेशन की मदद से हम लोग a और d फाइंड करेंगे, और जब आ जाएगा a और d तो हम यहां लाके पुट करेंगे उसको, a की जगह जो आएगा वैल्यू और d की जगह जो भी वैल्यू आएगा, और n को n ही रखना पड़ेगा क्योंकि खुद बोल दिया है वो n टर्म का सम आपको फाइंड करना है। तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए, जो भी आंसर आएगा सम ऑफ n टर्म आ जाएगा। तो हम यहां पर वही करने वाले हैं। तो यहां पर s7 कितना दिया हुआ है, n की जगह अगर मैं 7 रखूं तो क्या दिया हुआ है, 7 बाय 2a प्लस 7 माइनस 1 डी। क्या करते हैं, n की जगह 7 रख देंगे ना, बोल रहा है तो इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए फर्दर। s7 सम ऑफ n टर्म कितना दिया हुआ, 7 टर्म कितना दिया हुआ, 49। तो यहां पर 49 रखते हैं, 7 बाय 2, ठीक है जी, यहां पर 2a प्लस 7 में से बन गया 6d। थोड़ा कॉमन निकालिए क्या आएगा, यहां पर 2 देखिए दोनों में है ना, यहां पर भी 2 एंड 2 3 6, यहां पर भी 2 है तो 2 कॉमन निकाल सकते हैं यहां पर हम। तो यहां पर क्या होगा, a प्लस में 3d, 2 से 2 कट जाएगा, यहां पर क्या होगा, 49। ठीक है जी, 49। फिर इसको सॉल्व कीजिए थोड़ा और, 49 बाय 7 इक्वल टू में a प्लस 3d। ये 7 जाएगा इधर, नीचे जाएगा ना ये देखिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, 7 जा 49। तो हमारा पहला इक्वेशन क्या बना है देखिए, हमारा जो पहला इक्वेशन बन गया वो क्या बना है, a प्लस 3d इक्वल टू में 7 बन गया, ये इसको नाम दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब वो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखिए, आगे बोल रहा है कि 17 टर्म का जो सम है उसको जोड़ेंगे तो 289 आ रहा है। तो सेम वैसे ही करना है जैसे हमने एस एन का फॉर्मूला रखा था। यहां पर फिर देखिए एस 17 रखेंगे तो क्या आएगा, 17 बाय 2a प्लस 17 माइनस 1 और d। तो एस 17 कितना दिया हुआ है, 289। तो यहां पर 17 बाय 2, ठीक है जी, यहां पर 2a एंड कितना है, 17 माइनस 1 कितना होगा, 16। 2 वैसे ही कॉमन लेंगे यहाँ पर हम, ठीक है। आप कैसे भी कर सकते हैं इस 2 को, पहले आप इधर लेके जाइए, कुछ भी कीजिए, मेरे को दिख रहा है यहाँ पर कि कॉमन निकाल सकता हूँ ना मैं, कॉमन निकाल सकता हूँ तो 2 यहाँ से कट सकता है। आपको कॉमन नहीं निकालना तो मत निकालिए, यहाँ से 2 इधर जाएगा जैसे प्रोसेस होता है बाकी।
तो यहाँ से मैं 2 कॉमन निकाला हूँ तो क्या होगा, a प्लस 2 8 16 8d, तो 2 से 2 कट गया यहाँ पर, ठीक है ना जी। तो यहाँ पर बचा 289, फिर 289 फर्दर नीचे 17 आएगा ये, तो ये कितना हो जाएगा a प्लस 8d, ठीक है जी। तो यहाँ 17 से कटेगा 17 बार में, तो a प्लस 8d कितना आ गया फिर आपका, a प्लस 8d आ गया आपका 17। अब यहाँ से इक्वेशन 2 हो गया ये। अब यहाँ पर a और d फाइंड करेंगे इन दो इक्वेशन की मदद से। पहला इक्वेशन कौन सा है, ये वाला है, और दूसरा इक्वेशन कौन सा है, ये वाला है, ठीक है जी। तो इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। अभी हम यहाँ पर देखिए, पहला इक्वेशन क्या आया, a प्लस 3d इक्वल टू में 7 आया, और यहाँ पर दूसरा इक्वेशन क्या आया, a प्लस 8d कितना आया, 17 आया। इसको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इस चैप्टर में होता था ना कि एक्स और वाई नहीं पता होता है हमको, दो इक्वेशन दिए होते हैं तो हम लोग एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। उसमें क्या होता है, देखिए a का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, साफ साफ दिख रहा है, कुछ नहीं तो 1 है यहाँ पर, और यहाँ पर भी a का कोएफिशिएंट 1 है, और उसको जोड़ूंगा तो हमें दिक्कत हो जाएगी, 2a बन जाएगा, a और a 2a, तो इसको घटाने में फायदा होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर हम, प्लस का माइनस हो गया, ये प्लस का माइनस, ये प्लस का माइनस, कुछ नहीं तो प्लस है ना यहाँ पर, तो प्लस का माइनस, तो ये a से a कट गया, तो 8 में 3 का कितना बचेगा, 5d यहाँ पर कितना बचेगा, 17 में से 10 गया, 7 गया, कितना बचेगा, 10। तो यहाँ पर देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, तो d का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 10/5, ये 5 नीचे जाएगा ना, तो d का वैल्यू आ गया 2। यहाँ पर अभी हमने d का वैल्यू फाइंड किया, 2 आया। जैसे वहां पर करते हैं x का वैल्यू फाइंड करते हैं, ऐसे यहाँ पर हमने d का वैल्यू फाइंड किया है, फिर इस d का वैल्यू 2 आया है, यहाँ पर हम इसमें रखेंगे इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में, जिसमें चाहे उसमें रख लीजिए, दोनों में से पुट करके हम a लिखा सकते हैं। यहाँ पर देखिए a प्लस 3d कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, तो d का वैल्यू 2 रखते हैं लाके, हम d का वैल्यू 2 रखेंगे हम लोग, तो देखते हैं क्या आता है, तो 3 2 6 6 जाएगा उधर, कितना होगा माइनस का 6, तो a का वैल्यू कितना आ गया 1। तो हमने क्या फाइंड किया, a आ गया 1, ठीक है जी, और d आ गया 2। तो हमें पहले क्या नहीं पता था, हमें सम ऑफ एंटर्म निकालना था ना, हमें निकालना था, इसमें क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द सम ऑफ एंटर्म, एंटर्म का हमको सम निकालना है, फॉर्मूला तो यही होगा। तो हमें इसमें a नहीं पता था पहले और d नहीं पता था, अब वो हमको पता है, a 1 है और d 2 है। तो यहाँ पर आप a का वैल्यू 1 और d का वैल्यू 2 रख दीजिए, और n को तो n रखना पड़ेगा आपको, खुद ही बोल रहा है सम ऑफ एंटर्म, तो आपका सम ऑफ एंटर्म आ जाएगा। रखते हैं, देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, देखिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखते हैं, अब सम ऑफ एंटर्म आपको फाइंड करने बोला है, तो Sn यहाँ पर क्या होगा, Sn का फॉर्मूला पुट करेंगे हम लोग, तो Sn का फॉर्मूला क्या होगा, n/2 2a + n-1d ये होता है। तो n कितना रखना है, n तो n ही रखना है, कुछ बोला ही नहीं n के बारे में, तो n/2 a का वैल्यू कितना आया, a का वैल्यू कितना है 1, 2a + n-1 n-1d का वैल्यू कितना आया 2। तो इसको सॉल्व कीजिए आगे आप, ठीक है, n/2 2n/2 और ये क्या होगा 2n, ये क्या होगा माइनस का 2, ये 2 से 2 कैंसिल, ठीक है जी। तो यहाँ पर n/2 और यहाँ पर क्या बचा 2n, तो अब ये कट सकता है इससे, तो n मल्टीप्लाई n क्या होगा n स्क्वायर। तो मतलब हमारा जो सम ऑफ एंटर्म आ गया, जो क्वेश्चन फाइंड आउट करने हमको बोल रहा है, सम ऑफ एंटर्म क्या आ गया, n स्क्वायर। तो आप ध्यान रखिएगा, कभी भी आपको एपी के क्वेश्चन में अगर फर्स्ट नहीं दिया हुआ तो उसको ए मान लेंगे, कॉमन डिफरेंस नहीं दिया हुआ तो उसको डी मान लेंगे, और सम ऑफ एंटर्म का फॉर्मूला लगा देंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा हमारा। थैंक यू वेरी मच। अगर अभी भी कोई डाउट है एंटर्म, सम ऑफ एंटर्म निकालने में, तो आप पिछला लेक्चर जाके देख सकते हैं और इन वीडियो को समझ सकते हैं। थैंक यू।